जाने के बाद कंट्रोल करना। विलेज जैसा लुक आ रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज सलीमा रतानी फ्रॉम KSA एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय YouTube चैनल। हेलो एवरीवन, हम लोग यहाँ तैयार हो चुके हैं और निकल चुके हैं, सब नीचे जा चुके हैं, मैं और भाभी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ताई, आपको लेके जाते हैं, दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब अपने घरों में अपनों के साथ खैर खैरियत से खुशहाल होंगे। आज है फ्राइडे का दिन और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम सब जा रहे हैं ताइफ। जद्दा से ताइफ का रास्ता 2 घंटे का है और हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं एक बहुत ही एक्सॉटिक प्लेस जिसका नाम है ताइफ समा हिडन ट्रेजर, और हम आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देंगे, मगर फिलहाल हम इंजॉय करेंगे अपनी ये ब्यूटीफुल जर्नी और हमारे साथ बने रहें क्योंकि आगे की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओह वाओ, इट्स अ केबिन कार, आदि सी आधा घंटे थे ना, हम आ गए हैं फाइनली ताइफ। हम आए हैं रमादा होटल एंड स्वीट्स, ये अलहादा का एरिया है और यहाँ आपको इजीली पार्किंग मिल जाएगी और इसके साथ गेट के साथ ही यहाँ पर ये टिकट काउंटर है जहाँ पर आपको सारी एक्टिविटीज मेंशन है विद प्राइजेस। आप चाहे तो सिंगल एक्टिविटी कर सकते हैं वरना यहाँ के ऑफर्स भी बहुत अच्छे हैं। हमने ये वाला ऑफर लिया है जो कि है 699 रियाल पर फैमिली, जिसमें 5 से 6 लोग इंक्लूडेड हैं और इसमें हमें मिला है केबिन का, टोबोगन और कार्टिंग। तो चले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। What a view! It's beautiful. Hello. Hi. Wow, sunset! देखो कितना प्यारा है. ये तमाम अलहादा माउंटेन्स हैं और हम पहुंच चुके हैं ताइफ समा वाटर पार्क, अ हिडन ट्रेजर। फाइनली एंटर हो चुके हैं, जैसा कि आपने देखा कि ये वाटर पार्क के बैक साइड पे एक छोटा सा विलेज बनाया हुआ है। सो ब्यूटीफुल एंड पिक्चरस प्लेस। मैं यहाँ सेकेंड टाइम आ रही हूँ और जो भी मेरी तरह हिस्टोरियन और एडवेंचरस है उसको ये जगह बहुत ही पसंद आएगी। चले चल के आपको दिखाती हूँ यहाँ क्या क्या है। यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज और फैसिलिटीज हैं जिससे आप फैसिलिटेट हो सकते हैं। चलो ये फ्लैग ले लेते हैं। कौन सा फ्लैग? This is amazingly beautiful. This is so beautiful. वहां से उस पॉइंट से यहां तक आए।
और फाइनली अब हम जा रहे हैं उस जगह जिसके लिए मैं 2 घंटे की ड्राइव करके अपनी पूरी फैमिली को यहाँ लेकर आई हूँ। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट राइड आई हैव एवर हैड। चले आज आपको भी अपने साथ वहाँ लेके चलते हैं। इधर से ऊपर तक ऑटोमेटिक जाएगा, अच्छा कुछ नहीं करना। ऊपर पहुंच के गाड़ी रुक जाएगा, नीचे आने के टाइम में रुक जाने के बाद कंट्रोल करना है। अच्छा, ये दोनों आगे करेगा तो चलेगा, वापस लेके आएगा ब्रेक। ठीक है। ओके ठीक है। लास्ट में एक लाइट है, वो देखेगा तो स्लो करना लास्ट में। ओके ऊपर रुकना मत, चलना है, चलना जरूरी है, रुकना मत। ओके आने के टाइम में कंट्रोल करना भी नहीं। हाइट पर जाते जा रहे हैं। दिस इज अमेजिंगली ब्यूटिफुल। हेलो एवरीवन, दिस इज अमेजिंग। सीरियसली बहुत मजा आ रहा है और सारे कंट्रोल्स मेरे हाथ में है इस वक्त। और इसका आप व्यू चेक करें, दिस इज एपिक। हेलो अमेजिंग। और यहाँ हम आ चुके हैं अपने लास्ट स्पॉट पर कार्टिंग के लिए। ये एरिया इन्होंने थोड़ा सा दूर ज़रूर बनाया है, मगर यहाँ आना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बस फैसिलिटी दी हुई है जो आपको इस जगह से पिक एंड ड्रॉप करती है और इसके कोई चार्जेस नहीं है, इस इंक्लूडेड इन योर पैकेज। तो बस चलते हैं, इन्जॉय करते हैं। और अब हम यहाँ से फ्री होकर जा रहे हैं दोबारा रमादा होटल और फिर वहाँ से हम जाएंगे रेस्टोरेंट फॉर डिनर। जिस रेस्टोरेंट हम आज जा रहे हैं इससे पहले हमने इसे कभी एक्सप्लोर नहीं किया, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो चले चल के देखते हैं कि ये डिसीजन हमारा सही था या गलत। चुके हैं दरताश रेस्टोरेंट। ये अलहादा ताइफ के एरिया में है और इट्स एन इंडियन रेस्टोरेंट और यहाँ का एम्बियंस बहुत ही मेस्मराइजिंग और बहुत ही इम्प्रेसिव था। आई थिंक इट्स अ फ्यूजन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। अगर यहाँ के खाने की बात की जाए तो हमने यहाँ पे करीज और बारबेक्यू दोनों ही ट्राई किया, बट हमें यहाँ की करीज एज कम्पेयर टू बारबेक्यू ज़्यादा अच्छी लगी। आई थिंक यही इनकी स्पेशलिटी है, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इनकी करीज ज़रूर ट्राई करें। और बट ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम विद आवर फैमिली। और अब हम जा रहे हैं अपने घर जद्दा और यहीं पे मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।